कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक गया है। किसने बनाया आप? 69 जी। मैथ में क्या सीन रहा? मैथ का क्वेश्चन एकदम इजी था और रीजनिंग का भी एकदम इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। जीके से एक क्वेश्चन था, मोहिनी अटम कौन सा भगवान से रिलेटेड है, जो कृष्ण भगवान से था जी। सर ऐसे ऑटो पकड़ना मैं जा रहा हूँ। और इंग्लिश का? इंग्लिश ऐसे मेरा नहीं उतना किया था, बट 5-7 क्वेश्चन मारा है। पैसेज था कि नहीं इंग्लिश में? पैसेज नहीं था, नहीं था। कोई बात नहीं। सर सर आपका कैसा रहा? 95 मार्क मतलब अटेम्प्ट लिए थे, मतलब उसका टीयर वन में पूरा हल्का कर दिया है। अच्छा, 95 मतलब उसमें जीके मेन क्या था कि जीके को आप मतलब जैसे रट्टा मारता है ना, उससे नहीं है, पूरा ऑब्जर्वेशन का है। अच्छा, मतलब स्टेटमेंट दे रहा है क्वेश्चन? हाँ, मतलब ऑब्जर्वेशन दे रहा है। सिंपल अगर मतलब कोई क्वेश्चन अगर दे दिया है कि मतलब आप खाली नदी कहाँ से बह रहा है, उसका बेसिन मतलब क्वेश्चन था, बता नहीं सकते, बट वो मतलब आपको खाली स्टेट याद रख लिया तो उससे हो जाएगा कोई। मतलब जीके को थोड़ा एग्जाम अंदर घुसना है, मतलब सिंपल ही रहता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना। सीजीएल में जिस तरीके आप पूछ रहा था ना, सीजीएल से भी हल्का है। सीजीएल तो थोड़ा टफ है, लेकिन ये उससे भी हल्का है क्योंकि टीयर वन कर दिया ना। क्योंकि सीजीएल में भी सिमिलर पैटर्न में जीएस पूछा गया। हाँ, सिमिलर ही पैटर्न है, लेकिन थोड़ा क्या है इसमें, अब जीके जो पहले जो पढ़ता था ओल्ड वाला ना, कि पूरा लूसेंट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, कुछ नहीं करना है। अगर कोई मतलब सोशल मीडिया पे है ना, वो मतलब लगता है हमको 50% अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा खाली ऑब्जर्वेशन पेपर कर रहा है कि स्टूडेंट्स। हाँ, एकदम पूरा सूट है, पूरा ऐसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हमको लगता है 60+ मार रहा होगा, और जो थोड़ा रेगुलर में होगा वो 80+, और जो बहुत ज़्यादा है जैसे सी जी एल प्रिपेयर वो तो 90+ मारा होगा। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन होंगे? वो 3-4 क्वेश्चन था हमको लगता है। एक 2020 का आया था, 2020 वाला तो किसी को याद नहीं रहता, वो रजत पदक वाला था। इसके बाद तो मतलब सिंपल क्वेश्चन था कि ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आपके कितने अटेम्प्ट रहे सर? हम किए 92। आप भी अच्छा अटेम्प्ट किया। मैथ्स किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा? मैथ सबसे था, परसेंटेज से भी था, लाभ आने से भी था, और रेशियो वगैरह से भी था। डीआई से कितने क्वेश्चन? सीआई से 3 को था सर। 3 क्वेश्चन। डीआई किस पे बेस्ड था, मतलब किस पे बेस्ड था डीआई, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, किस पे आया था वो? पाई चार्ट पे। हाँ, पाई चार्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, 3 को आया था उस पे। 3 बनाने योग्य था? हाँ बिल्कुल एकदम। लाइन ग्राफ से क्वेश्चन नहीं था, बार ग्राफ से क्वेश्चन था। डीआई से बार ग्राफ? हाँ, बार ग्राफ से था, 3 इयर्स 2 इयर्स ऐसा ही। और एक जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, 1 + x = 4, उसका एक अपडेटेड वर्जन आया, x^12 / 1/x^12, उस तरह का क्वेश्चन। डीआई का क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव है या आसानी से बन जाए? नॉर्मल था। डीआई क्या रहेगा, एसएससी के पेपर में 2-3 डीआई रहता है, बैंकिंग थोड़ी है कि डीआई रहेगा, मगर डीआई बैलेंस था, पेपर बैलेंस था, कोई टफ पेपर नहीं था। इंग्लिश सेक्शन में पैसेज या क्लोज टेस्ट था? एक पैसेज था 5 मार्क्स का, जो हर बार एसएससी में रहता है। टॉपिक कौन सा था उसका, पैसेज का टॉपिक? टॉपिक था कि मतलब इन डेवलपमेंटों वगैरह पे क्रूशियल मोमेंट्स था, तो अब हर एक शिफ्ट का अलग अलग टॉपिक है, एनालाइजिंग है, एनालाइज करके आइए अपना देख के। और जीएस सेक्शन से बता दीजिए कैसे सेक्शन वाइज सवाल आए हैं। करेंट से था, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया जो है सो ब्रॉन्ज मेडल कितना लाया है, ये सब कुछ। और साइंस सोशल साइंस में से कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन लीड कर रहा है? सोशल साइंस ऑलरेडी मेरा वीक पोर्शन है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मैथ रीजनिंग अच्छे से हम कवर। अच्छा, इंग्लिश से कितने, सॉरी इंग्लिश बोल रहा हूँ, साइंस से कितने क्वेश्चन होंगे? 2-3 फिजिक्स से, न्यूमेरिकल ने थ्योरी बेस्ड। न्यूमेरिकल भी है? न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरी बेस्ड, वही बता रहा हूँ मैं, थ्योरी बेस्ड। और 2-3 केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से। हाँ, अब जल्दी में अगर एक आदमी मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, मगर 2 बायोलॉजी से। टोटल कितने अटेम्प्ट रहे हैं आपके? हमारा अटेम्प्ट है 82। हाँ, सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड है, होना चाहिए, सीजीएल का मेंस भी दिए हैं। देखिए, सीजीएल का मेंस दिए हैं तो पैटर्न तो आपको समझ में आए क्या होगा। अच्छा, जीएस का जो पैटर्न है जो बदला है इसमें भी? बदलाव कुछ नहीं है खास, थोड़ा बहुत है। स्टेटमेंट वाइज थोड़ा क्वेश्चन है क्या? हाँ, निष्कर्ष 1 इंक्लूड निष्कर्ष 2, मतलब कौन सा सही है नहीं है, वेन डायग्राम पे। कंप्यूटर भी ऐड ऑन हुआ है सुन रहे? सीएचएसएल में नहीं, सीजीएल में। सीजीएल में कंप्यूटर नहीं है? नहीं, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन। गुड लक सर। थैंक यू सर। बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चंस हुए आपके? 92। 90, अब तो हम ऑलमोस्ट सारा कर लिए। मैथ से किस किस से क्वेश्चंस रहा? मैथ से मेंसुरेशन से क्वेश्चन था 3-4, उसके बाद में मैथ अभी इतना ही याद है। एडवांस से? एडवांस उतना नहीं था। डीआई था कि नहीं? डीआई था। डीआई से कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। चार क्वेश्चन बनाने योग्य थे या फिर डिफिकल्ट था? बनाने योग्य था।
इंग्लिश सेक्शन कैसा रहा? इंग्लिश मॉडरेट है जी। पैसेज है कि नहीं इंग्लिश में? पैसेज था। किस टॉपिक से? टॉपिक तो याद नहीं है। जीएस सेक्शन से? जीएस में था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर से 1, 2, 3 क्वेश्चन थे। ईजी थे या फिर डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट। गुड नाइट।